नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। 8वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग प्राचीन यूनान और उसके नज़दीकी क्षेत्रों में एक सभ्यता का विस्तार हुआ, जिसे यूनानी सभ्यता कहते हैं। उसी सभ्यता में संवाद प्रक्रिया को स्थापित करने के दौरान एक भाषा विकसित हुई, जिसे यूनानी भाषा कहा गया। इसी यूनानी भाषा का एक शब्द है डायनेमिस, जिसका अर्थ होता है बल या पावर। भौतिकी में इस शब्द का विकास डायनेमिक्स के रूप में हुआ, डायनामिक्स, जिसका अर्थ होता है पिंडों की गति और उस गति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर ऐसे विचार ग्रहण करना जिन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। वहीं लैटिन भाषा में डायनामिस का अर्थ होता है अथक, यानी कभी न थकने वाला। इस तरह अंग्रेजी में एक शब्द विकसित हुआ डायनामिक, जिसका अर्थ होता है सक्रिय, गतिमान, ऊर्जावान तथा विभिन्न विचारों से परिपूर्ण। आज हमारे साथ ऐसे ही अथक, गतिशील, ऊर्जावान और अपने विचारों और कार्यों को इस प्रकार सबके सामने रखकर काम करने वाले IAS, जिनसे सीखकर हम सब प्रेरणा लेते हैं। बात चाहे प्रारंभिक जीवन के संघर्षों की हो या सिविल सेवा के दौरान आपके कुपोषण, जल, मतदान, जेल सुधार, पर्यावरण इत्यादि कई अभूतपूर्व कार्य तो सामान्य जनमानस से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे आज के अतिथि देश के वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक DM डॉक्टर हीरालाल वर्मा जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और भारत सरकार की मॉडल गांव पहल के एडवाइजर भी हैं। आपकी हाल ही में डायनेमिक DM के नाम से एक पुस्तक आई है, जिसे हीरालाल जी ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है और हमारे प्रभात प्रकाश ने इसको प्रकाशित किया है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। हमारे साथ हमारी साथी ऐश्वर्या जी हैं, जो आपके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगी। ऐश्वर्या जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सार्थक, और बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हमें इस बात की बहुत खुशी है और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। तो आपसे कुछ आपके अनुभव साझा करना चाहेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये YouTube चैनल देख रहे हैं वो भी प्रेरणा ले सकें। तो सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जो गांव है बागती गांव, उसमें आपका जन्म हुआ है और आपके जो पिताजी हैं वो पशु चिकित्सालय में कंपाउंडर के नाते काम करते थे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला वाले लड़के का सफर बागती से सिविल सेवक बनने तक का कैसे शुरू हुआ, सर आप हमें इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बात आपने सही कही, मैं गांव का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का ये जिला है बस्ती, अयोध्या के आगे बस्ती पड़ता है और उसमें ये गांव बाल्टी है, मेरा ब्लॉक साव घाट है। और मेरी स्कूलिंग प्राइमरी में हुई, मैं डाक पट्टी लेके जाता था, कक्षा 5 तक प्राइमरी में हुई, फिर वहीं से ये 6 से 8 जूनियर हाई स्कूल था, एडेड था, उसमें पढ़ाई किया। ये बात बड़ी वाजिब है और ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि आप ऐसे बैकग्राउंड में तो सिविल सर्विस का सपना या सोच आपके दिमाग में कैसे आया। तो मैं आपको बताऊं, मेरे फादर, हम लोग का जो बेसिक पेशा है, पारिवारिक पेशा कई पुस्तों से, वो खेती बाड़ी है। हम लोग किसान परिवार से हैं, फार्मिंग फैमिली है हमारी। तो हमारे पिताजी वेटनरी कंपाउंडर थे, पिछले साल अप्रैल में उनकी कोरोना में डेथ भी हो गई। तो वो क्योंकि सर्विस करते थे, उनको सरकारी तंत्र का ज्ञान था, वो मुझे पुश करते थे कि भाई आप जो है सिविल सर्विसेज में जाइए, IAS बनिए, PCS बनिए, ये सबसे अच्छी सेवा है। तो वो मेरे दिमाग में ये भावना भरते रहे और पीछे से मेरा पीछा भी करते रहे। वो गाइड भी करते थे, मॉनिटरिंग भी करते थे, मोटिवेट भी करते थे। इस तरह से जो इसके पीछे मुख्य भूमिका वो मेरे पिताजी की है। तो ये तो वही बात कि आपके जो पिताजी हैं उन्होंने आपको इतना एनकरेज किया कि आप सिविल सेवक बने। लेकिन जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ वो किस्सा साझा कीजिए जिससे आप बताइए कि एक अफसर बनने के बाद आप अमेरिका में पढ़ाई भी करना चाहते थे, और इसी के साथ उस वाक्य को भी साझा करें जब
आपका जो NOC है यानी कि अनापत्ति जो प्रमाण पत्र होता है वो मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी नहीं मिल पाया, तो ये बहुत दिलचस्प दो किस्से हैं, आप जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि जो उदाहरण आपने मेरे किताब से ये उठाया है, एक्चुअली था क्या, मैं संभल में SDM था, संभल के एक प्रोफेसर थे इब्दुल हसन साहब बाकरी साहब, वो संभल के रहने वाले थे, उनको अपने गांव से बड़ा प्यार था, गांव में वो संघर्ष करके अमेरिका पहुंचे थे, तो गर्मी के छुट्टियों में वो अपने गांव आते थे और उन्होंने अपने गांव में एक मुमताज इंटर कॉलेज खोल रखा था। तो वो मेरे पास आए और कहे कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप संभल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका मेरे साथ चलिए, जरा अमेरिका देखिए, अमेरिका में कैसे काम होता है, मैं आपको इन्वाइट करता। अमेरिका जाने की मेरी शुरुआत यहीं से हुई। अमेरिका जाने का जो हमारे दिमाग में सोच पैदा किया वो स्वर्गीय प्रोफेसर बाकरी साहब, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर सबसे पहले तो बात होती है कि पासपोर्ट बनवाया जाए, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए NOC चाहिए। जिस समय की बात ये हम कर रहे हैं NOC की, उस समय NOC बड़े मुश्किल से मिलता था, आज के डेट में NOC बहुत आसान हो गया, सबको NOC दिया जा रहा है, ये समय वक्त है। आज के डेट में अगर यही मैं NOC लेना चाहूँ तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उस समय वो क्लोज था मामला, क्या कोई बाहर नहीं जाएगा और PCS को थोड़ा उतनी लिबर्टी भी नहीं थी एज कम्पेयर टू IS, तो वो सब दीवारें टूटी इधर जब से ऑनलाइन ज्यादा बढ़ा और अब NOC जो भी अप्लाई करता है विद इन वीक मिल जाता है। तो वो सिचुएशन ऐसा था, उस समय का माहौल ऐसा था, नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मैंने जो हमारे जो अफसर थे ये शंभू सिंह यादव साहब, मैंने वो विशेष सचिव थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे मिलवाया फिर भी नहीं मिला। तो ये होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा आदमी कह दे तो मिल ही जाए, ऐसे बहुत सारे वाकया है कि नहीं भी होता है, कोई घटना मेरे साथ हुई, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, लगा रहा और NOC लेकर ही रहा। तो ये तो बहुत ही दिलचस्प मामला हो गया कि NOC नहीं मिल रहा। आज के जमाने में जब हम ये बात सोचते हैं तो हमें बहुत ऐसे आश्चर्य होता है, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि आजकल के जमाने में थोड़ी चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक चीज अब आप बताए कि आपने NOC लेकर ही दम लिया, लेकिन ये बताइए सर कि जब आप अमेरिका पहुंचे तो आपका चयन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो आपने वहां पे पढ़ाई क्या करी, और ये भी बताए कि अंग्रेजी भाषा को लेकर जो एक एक हिचक होती है या किस प्रकार की चिंताएं हैं उनका सामना आपको करना पड़ता है। देखिए ऐसा है कि ये जो हम कोर्स करने गए इसको ट्रेनिंग बोलते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग DOPT द्वारा, भारत सरकार के DOPT द्वारा कराया जाता है। तो हमारे एक सीनियर है जो वर्तमान में श्री योगेश्वर राम मिश्रा जी, जो की वर्तमान में कमिश्नर मिर्जापुर विंध्याचल धाम मंडल के हैं, ये कोर्स करके आए थे। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनसे इसी छेड़ा की शराब अभी पढ़ने गए थे कैसे, वो इन्होंने पूरी बात बताई। तो किसी के पहले ये PCS के लिए ओपन नहीं था, उस समय मैं PCS था, प्रमोट नहीं हुआ था। तो अब उस सब जब ये पढ़ के आए इन्होंने पूरा रास्ता मुझे बताया, मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया। तो मैं गया सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क स्टेट में है, वहां से मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। अब जो इंग्लिश वाली दिक्कत थी, अमेरिका में तो हिंदी चलता नहीं है, अमेरिका में चलता है इंग्लिश, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा, प्राइमरी का पढ़ा, मैंने BTech किया है, MTech किया, मैंने सब इंग्लिश में ही किया। उसके बाद जब हम सर्विस में आए तो शुरू में मैं NTPC में करीब 1.5 साल रहा इंजीनियर, उसके बाद सिविल सर्विस स्टेट में आया, तो यहाँ जो कारोबार है वो हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखना, हिंदी में नोटिंग, तो जो प्रैक्टिस थी इंग्लिश की वो डल हो गई। तो हमारा बेस भी इंग्लिश नहीं था प्राइमरी जो शुरुआती, तो उससे क्या हुआ जब वहां गए और अचानक सब कुछ इंग्लिश में, स्पीकिंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश, सोना इंग्लिश, जगना इंग्लिश, बात करना इंग्लिश, एवरीथिंग इज इंग्लिश। तो ये समस्या वहां अमेरिका में बहुत सारे, जैसे चाइनीज बहुत होते थे, हर देश के लोग वहां जाते थे तो सबको ये इंग्लिश वाली दिक्कत आती थी। तो वहां के यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, इस चीज की समस्या का समाधान करने के लिए टीचर्स का एक टीम बना रखा था, तो हम लोग ऑनलाइन उससे टाइम ले लेते थे और उतने बजे एक चैम्बर बना था, वहां जाकर के उतने बजे बैठ जाते थे,
अपना राइट अप लेकर के, और टीचर उतने बजे आते थे, ये घंटा देते थे, हमारी उनकी बात होती थी, हमारा राइट अप चेक कर लिया, हमें गाइड कर लिया। हम लोग तो वीकली हम लोग किस तरह से इंग्लिश जाते थे, इम्प्रूव करते थे, तो उसे इंग्लिश सीखने का भी मौका मिला। यहाँ भी एक बड़ी अच्छी घटना है जिसको अपनी किताब में नहीं लिखा, जो प्रोफेसर थे जो हमें इंग्लिश बताने आते थे, तो तीन चार बार मुझे वही प्रोफेसर मिले, तुमको एक बात लगी क्या कि ये सीखना चाहता है, मन से सीखना चाहता है इंग्लिश, ये बात उनको फील हो गया। तो उन्होंने मुझे तीन मंत्र दिया, क्या कहीं इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देर आर थ्री ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, और वो मैं अक्सर सबसे शेयर करता हूँ अपने बच्चों से। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में हमेशा एक्टिव वॉइस में बोलना चाहिए, अवॉइड पैसिव वॉइस एज मच एज यू कैन, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा जो चार प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमेशा ट्राई टू बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा ट्रिक उन्होंने मुझे ये बताया। और तीसरा कहा कि सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और तीन तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। ये तीनों ट्रिक्स उन्होंने जो मुझे बताया आज भी मुझे याद है, और ये सही बात, अगर ये तीनों चीज कोई भी अडॉप्ट कर ले तो उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अखबार की अगर आप इंग्लिश देखें तो इसी तीनों पे लिखी जाती है, इससे उन्हें मालूम होता है ना, अखबार परीक्षा पुलर भी पढ़ेगा, कक्षा पांच पास भी पढ़ेगा, तो सिंपल होना चाहिए। तो वो जो टीचर थे उनको भी मैंने इंप्रेस किया बाई माई बॉडी लैंग्वेज, बाई माई पैशन एंड बाई ऑल अदर थिंग्स, सो ही गेव मी दीज थ्री टिप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन यूएसए। सुवर्ण सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाया, किस तरह से आप अमेरिका पहुंचे और इस समय आपको खास तौर से भाषा को लेकर किस तरह से दिक्कत आई और आपने चैलेंज को कैसे ओवरकम किया, ये बहुत एक ऐसी चीज है जिससे हमारे स्टूडेंट जरूर मोटिवेटेड होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और जब वो सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं सर ये जरूर एक मन में रहता है कि क्या वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्या हम लोग छह लोग इंडिया से गए थे, 94 बैच के एक आईएएस अफसर है और आईआईटी कानपुर के पढ़े हैं और वो इंग्लिश मीडियम के हमारे अभी भी अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है श्री प्रवीण प्रकाश जी, मैं आपके इसी उत्तर जवाब दे रहा हूँ। और प्रवीण प्रकाश बहुत ही अच्छे इंसान है, आईएएस अफसर होना तो दूसरी बात है, इंसान बहुत नेक है, सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना, ऐसा मैंने इंसान है जो आईएएस नहीं देखा, ठीक है ना, क्योंकि सामान्यता जो हेल्पिंग नेचर होता है वो कम देखने को मिलता है जो प्रवीण प्रकाश। हम दोनों ने एक कोर्स लिया और क्योंकि वो आईआईटी कानपुर के पढ़े तो उनका बैकग्राउंड कानपुर का वो भी अपने आप में ये माने रखता है और इसका लोगों को ईगो भी रहता है कि मैं आईआईटी कानपुर का पढ़ा हूँ, एक बार ऊपर से आईएएस, दूसरा तनखा, तीसरा इंग्लिश मीडियम के पढ़े, उनके फादर इंजीनियर थे, मैं गाँव देहात का किसान का बेटा। तो जो हम लोगों ने कोर्स लिया तो एक असाइनमेंट लिखा गया, इंग्लिश में लिखना था, ठीक है, उस असाइनमेंट में मुझे ये प्लस मिल गया, उनको ये मिला, और वो चूंकि बड़े पढ़ाकू, बहुत ही पढ़ाकू का एक नंबर कट जाए तो नहीं, अब जब मुझे ये मिल गया, ये प्लस मिल गया और उनको ये मिला, तो आप समझिए दो दिन उनको नींद नहीं आई, क्या वो डिस्टर्ब हो गए। मैं ये बात अभी हम लोगों में डिस्कशन होता है तो हम लोग मौज लेते हैं आपस में। तो देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्या समस्या कंटेंट की होती है कि आप उसमें लिख क्या रहे हो, आइडिया क्या है कंटेंट, क्योंकि वहाँ वो इंग्लिश वाला हेल्पिंग सेंटर था ही, तो हमने इंग्लिश उंग्लिश लिखा, उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ फ्लो ऑफ थॉट्स जो दिक्कत थी वो वहां से हेल्प डेस्क से सुधर गया। अब जो मुझे ये, लेकिन हमारा कंटेंट इतना अच्छा था कि वो जो मैडम थी कैथरीन मैडम, उन्होंने मुझे ये प्लस दिया, उनको ये दिया, तो तीन दिन तक नींद नहीं, उन्हें लगा गुरु गुरु चेला शक्कर हो गया। इसको भी मैंने किताब में लिखा है, इस घटना को भी। तो आपके बात का जवाब यह है कि इंग्लिश मीडियम वाले को एक हिंदी मीडियम वाले ने दिखाया कि ये बहुत बड़ी बाधा नहीं है, आप उससे भी आगे जा सकते हो, ये इस चीज को भी मैंने लिखा है किताब, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं मैं मानता।
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर आपने बताया कि कंटेंट मैटर करता है, लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आईएलटीएस के लिए अगर वो मेहनत करें और अपना कंटेंट यानी कि अपनी तैयारी पर ध्यान रखें तो कोई रीजन नहीं है कि वो सक्सेस नहीं कर सकते सर। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 1994 जुलाई का जो पहला हफ्ता जब नियुक्ति पत्र मिला तब आपका क्या अनुभव था, क्या रिएक्शन था और किस तरह से आपने उस चीज को सेलिब्रेट किया? नेचुरल सी बात है कि जब किसी के जिंदगी में बदलाव आता है, बदलाव कई जिंदगी में बदलाव के बहुत सारे मोड़ हैं, जैसे जब कहीं पहली नौकरी जब में जाता है ये जिंदगी का एक बहुत ही उत्तान वाला मोड़ वाला पॉइंट होता है, शादी जिंदगी में किसी की शादी हो ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है, बच्चे की प्राप्ति होना, ऐसे मतलब जिंदगी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही प्लेजरेबल होते हैं, जहाँ बहुत ही इमेंस प्लेजर आदमी ड्राइव करता है। उसमें नौकरी पहला है तो जब नौकरी का मिला तो नेचुरल सी बात है हम तो उसी के लिए हम तो उसी की तैयारी कर रहे थे, हमें रातों दिन वही दिखाई दे रहा था, जब वो मिला तो उसी का तो ठिकाना नहीं होता है आप भी जानते हो, और वही हाल मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ। सर आपने जैसे टर्निंग पॉइंट की बात कही तो एक और बात आपने मेंशन किया है कि रिवॉल्वर हाथ में ये अखबारों के पहले पन्ने पर आपकी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि एसडीएम ने जान जोखिम न होने से बचाया, तो ये क्या पूरा वाक्य था हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मैं आपको बताऊँ किताब की जो एक सबसे इस किताब की जो सामान्यता देखने को नहीं मिलता, हमने इसमें जो भी बात कही है जिस भी चैप्टर में, जैसे हमने कहा कि हमने एक दंगा रोका, मुझे रिवॉल्वर लेकर के फ्रंट सामने आना पड़ा जनता में, वो मेरा फ्रंट पेज पे छपा, तो उस समय जो अखबार में छपा था फ्रंट पेज पर रिवॉल्वर के साथ उसको मैंने इसमें कतरन के रूप में लगाया है, जो भी बात हमने कही है उसका कोई ना कोई हमने किताब में सबूत दिया, इसीलिए किताब बहुत दिलचस्प हो गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और आदमी बड़े चाव से पढ़ रहा है। एवरी डे आई एम गेटिंग विच आई एम शेयरिंग विद माई सोशल मीडिया, ठीक है, आई सच विदाउट एनी चेंज। तो ये वाला वाकया ये था कि समय था और मैं खाना खा रहा, खाना खाने जा रहा था, मेरे सामने टेबल पे खाना था और अचानक वायरलेस पे मैसेज आता है, संभल का ये वाकया है। संभल पहले मुरादाबाद जिले की एक तहसील हुआ करती थी, अब संभल जिला बन गया है, तो किस एसओ को जो था नगर उनको भीड़ ने घेर लिया है और उनके साथ कोई भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है और बिल्कुल वो घिर गए और भीड़ उनको मारने को हमने खाना छोड़ा, हमारे सीओ साहब से उनको मैंने बताया, हम दोनों लोग अलग अलग गाड़ियों से निकल गए क्योंकि इतने जल्दी फोर्स मिल नहीं सकता था, मेरे पास दो होमगार्ड थे, मैंने जो मेरा निजी रिवॉल्वर था वो लिया और हम लोग पहुंच गए साइट पे, और साइट पे पहुंचने के बाद जो रोड था दोनों तरफ से भीड़ थी, तो एक तरफ मैंने सीओ को लगाया और करीब दो घंटे हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन यहाँ काम हमारा मेहनत 10,000 की भीड़ को चार पुलिस वाले एक एसडीएम और एक सीओ कंट्रोल कर ले, भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं, यहाँ मेरी गुडविल काम आई, वहां की जनता को यह विश्वास था कि एसडीएम साहब मौके पे आ गए हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो सही होगा वही करेंगे और सारी चीजों का समाधान न्यायोचित तरीके से देंगे, ये मेरी गुडविल थी। इस गुडविल ने मेरे साथ दिया, सबने मेरी बात मानी, हमने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आप दोनों लोगों की बात सुनता हूँ, पहले भीड़ को घर में भेजो, जो भीड़ घर में है ये रोड पे है, ये जो पत्थर लिए हैं डंडा लिए हैं हल्ला कर रहे हैं, एक इधर सरचार्ज माहौल है, उग्र माहौल है, इसको पहले कूल डाउन करो। दो घंटे बाद दोनों तरफ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी, हिंदू अपने बैग हुए मुस्लिम अपने बैग हुए, दोनों तरफ से 20-20 लोगों को मैंने लिया और फिर बात किया और यशो साहब को जो घेरे हुए थे एक कमरे में उन्हें बंद कर दिया था, उनको निकाला। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि अगर हमारे पुलिस के साथ कुछ हो जाता तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत होता। उस समय मैंने रिवॉल्वर लेके एक हाथ में रिवॉल्वर एक हाथ में डंडा, मुझे मेरे पीछे दो होमगार्ड, हम लोग भीड़ को खदेड़ रहे थे,
ये उस वक्त का ये वाकिया है और ये सफलता है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर उस समय ये घटना हो जाती तो बहुत बड़ा खलक होता और मेरे ऊपर कार्रवाई भी होती। तो सर यही बात है कि हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी पे सारे फोकस करते हैं, तो बहुत ज्यादा लाइफ कैसे होती है सिविल सेवक सर्वेंट बनकर उसके बारे में उसको ज्यादा पता नहीं होता कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो ये आपने जो वाक्य बताया श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही दिलचस्प भी होगा और बहुत ही प्रेरणा भी देगा कि आखिरकार सिविल सेवक बनने के बाद जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसको किस तरह से अपनी इंटेलिजेंस के साथ और जिस तरह से आपने बताया कि आपसे जो वहां पर लोगों के साथ एक बातचीत थी और आपका जो एक गुडविल थी वो किस तरह काम आई, ये लाइफ लेसन है सर जो आई एम श्योर कि आप हमारी स्टूडेंट्स को आज दे रहे हैं। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो चैलेंजेस की बात हुई, बात तारीफ की भी है क्योंकि पूरे देश में लगभग 739 डिस्ट्रिक्ट्स में से जब पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ बांदा जिले के चुनाव संबंधी कार्यों की तारीफ जब सार्वजनिक मंच से की थी, तो आपके लिए यह अनुभव कैसा था और इस प्रशंसा के पीछे आपने आपका जो अपना कठिन परिश्रम है उसके बारे में भी हमें बताएं कि मतदान को आपने कैसे सफल बनाया। देखिए ये इसकी भी एक बड़ी अच्छी घटना है, ये चूंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बांदा गए थे अप्रैल 25 को, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हम लोगों के ये जो बांदा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का एक अभियान चल रहा था उससे किया। शुरुआती दौर के 2 मिनट वो इसी पे बोले कि बहुत अच्छा है, हमने ऐसा सुना है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो पूरा अपने इस किताब में उनके पूरे बयान को कोट भी किया। होता क्या था, क्योंकि इलेक्शन के माहौल था तो हमारे जितने भी अधिकारी थे हम लोग एक बंद कमरे में बंद थे, एक बंद कमरे में हम डीआईजी कमिश्नर हम सभी लोग थे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग की जो आचार संहिता थी उसके तहत हमें कमरे में अपना वहीं से लाइन ऑर्डर। थोड़ी देर बाद मुझे लखनऊ से एक ओएसडी साहब का फोन आता है कि आपने सुना आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। तो हमने कहा कौन सा तारीफ कर रहा है, कहीं आप बन रहे हो। हम बन नहीं रहे हैं, हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, हम बाहर 1.5 किलोमीटर दूरी पे हम लोग हैं, क्या भाषण हुआ हम लोग सुन नहीं पाए, हम लोग एक कमरे में हम मौजूद नहीं है। उन्हें लगा कि ये मतलब बन रहे हैं, यही उनकी लैंग्वेज थी कि आपकी तारीफ हो रही है, आप कह रहे हो हमें पता नहीं बन रहे हो। ये भी एक घटना है। और वो हमारे एक अच्छे मित्र थे, उनका नाम था वो वेरदी साहब थे, कौशिक साहब, उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी को इस अभियान का कहीं से पता लगा, और आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई चीज, उन्होंने कहा भी ये बात कि हमने कहीं रिपोर्ट में भी पढ़ा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी कोई बात को नहीं बोलेंगे जब तक उसके सॉलिड सबूत ना हो। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस अपने संबोधन में भी कहा कि मैंने इसकी रिपोर्ट भी पढ़ी है, और उसका रिजल्ट ये है, नेट रिजल्ट में बताऊं 10.5% लोकसभा चुनाव 2019 में बांदा लोकसभा का 10.5% मतदान बढ़ा गर्मी में। लोकसभा का चुनाव सबसे कठिन होता है, गर्मी वहां भयंकर थी मई में, हम लोगों ने उस चुनाव को एक उत्सव में तब्दील कर दिया था। वहां का हर वोटर ऐसा लग रहा था कि चुनाव का दिन वो चुनाव का दिन नहीं है, होली का दिन है, दीपावली का दिन है। और जो वोटर बाहर थे, लगभग 25-30% वोटर बाहर थे, कमाने के लिए, नौकरी के लिए या किसी और काम के लिए बाहर थे, हर वोटर से हम लोग 10-10 बार बात किए। हम लोगों ने ऐसा रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी। तो जो बाहर वोटर था हम लोग उसे कहते थे वोटिंग के दिन आप आइए वोट देने। तो उनको ये लगता था आज तक तो बहुत बार वोट हुआ, कोई फोन नहीं आते थे, अब तो कभी सचिव फोन कर रहा है, कभी लेखपाल फोन कर रहा है, तो कभी मेरे घर वाले फोन कर रहे हैं कि अपनी बार वोटिंग करना है और ऐसा है वैसा है बढ़िया है। तो वो एक हमने माहौल बनाया और लोगों को जगाया, और हम लोगों ने एक नारा दिया था 90%+ हो मतदान, बांदा बने देश की शान। एक्चुअली पंचायत चुनाव के 2 बूथ पे 90% से ज्यादा वोटिंग हुआ था, एक जगह 91 हुआ था, एक जगह 92। तो हमने कहा कि अगर 2 बूथ पे 90% से ज्यादा हो सकता है तो
तो हम लोग कोशिश करें सभी पे हो, 1454 पूछे थे 90% से ज्यादा हो, असंभव नहीं है क्योंकि दो पूछ पे हो चुका है। तो जब असंभव नहीं है तो जहां नहीं हुआ वहां संभव बनाया जाए। तो इस तरह से रणनीति बनाई, 20-22 तरह के प्रोग्राम किए, 20,000 चिट्ठियां लिखी, कल्चरल एक्टिविटी कराई। वोटिंग के दिन हर बूथ पे पानी पीने की व्यवस्था, कल्चरल एक्टिविटी की व्यवस्था, आने जाने ले जाने की व्यवस्था, मतलब जैसे हमने हमने ये दिया था नारा खराती और बराती का कंसेप्ट कि हर बूथ पे एक टेंट लगेगा और उस गांव में रहने वाले काम करने वाले पोस्टेड जितने कर्मचारी हैं वो खराती होंगे, सचिव, लेखपाल, अमीन, सहायक, जितने वो खराती, और जो वोटर होगा वो बराती होगा। मकसद ये था कि जब वोटर आएगा वोट देने तो उसकी हम इज्जत वैसे करेंगे जैसे घराती वाले बराती करते हैं। तो ये घराती बराती का कॉन्सेप्ट लाए थे, लोगों ने बड़ा पसंद किया था, घराती बना दिया जितने कर्मचारी थे उस गांव में, लेखपाल, सचिव और रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी वाले, आशा, ये 20-25 लोग वो घराती हो गए। और जितने वोटर आते थे वो बराती की सेवा कर, आइए बैठिए, पानी पीजिए, ठंडा पीजिए, वोट देके आते थे। फिर वहां कल्चरल एक्टिविटी, गांव वाले ही नाच गाना बजाना करते थे, उसको हमने एक उत्सव में तब्दील कर दिया। ये बहुत एक अच्छी प्रक्रिया अपनाई थी और उसी का नतीजा सारी हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, मुझे इसका अवार्ड भी मिला और पूरे यूपी में हम नंबर वन रहे। कोई तोड़ नहीं पाएगा, मेरा ये मानना है ये रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है। मैं तो यही कहूंगा नहीं तोड़ पाएगा, तोड़ देंगे तब देखूंगा, नहीं कर मैं इनका चुनाव। सर ये वही हमारे स्टूडेंट्स को भी हम लोग जब बात करते हैं तो बताते हैं इनोवेटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो ये उसी चीज का प्रमाण है एक तरह से कि किस तरह आपने सिर्फ यहाँ पे हार्ड वर्क की बात नहीं होती है, स्मार्ट वर्क की भी बात होती है। जिस तरह से आपने इतना अच्छा एक नारा देकर और सब लोगों को एक साथ जोड़कर, एक जैसे आप बता रहे थे कि एक उत्सव के रूप में उसे तब्दील कर दिया, ये वाकई काबिले तारीफ है सर। लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई, लेकिन अगर आप इसका बेस पे जाएं, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट की शुरुआत जो होती है वो पहला जो स्टेप होता है किसी भी चीज का वो सबसे मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। तो जैसे कि आप बांदा जिले की बात बता रहे हैं, तो सर 2018 में जब आप पहली बार बांदा जिला के जो जिला अधिकारी है उसके रूप में वहां पर पहुंचे थे, तो वहां से जो ये जो जनमानस है उससे आपने कैसे अपने आप को जोड़ा और कैसे आप तक लोगों की जो पहुंच उसको आसान बनाया, क्योंकि जैसे आपने बता रहे थे कि आपकी गुडविल बन गई थी। क्योंकि अगर हम जिला अधिकारी की बात करते हैं तो ज्यादातर ये लोग यही समझते हैं कि अरे उनको तो मिल पाना ही इतना मुश्किल है, आम लोग कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे उनके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये आपने कैसे अचीव किया सर? देखिए ऐसा है, एक जिला अधिकारी का क्या काम है, जिला अधिकारी का काम है दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न स्तर से जो सामाजिक उत्पाद, इसको कहते हैं सोशल प्रोडक्ट, बनाए जाते हैं उसको फ्री ऑफ कास्ट आम जनता को बेचना। जैसे मैं बांदा में डीएम था, 80 विभाग थे, मेरी अधिकारियों की एक फौज थी, बहुत सारे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, आइडिया थे, उसको सोशल प्रोडक्ट कहते हैं, हम जनता को फ्री ऑफ कास्ट बेचते हैं। तो बेसिकली मेरा सोशल मार्केट ये, अगर जनता और हमारे बीच गैप होगा तो हमारा सामान कौन खरीदेगा भाई, कोई नहीं खरीदेगा, जब नहीं खरीदेगा तो हमारा गवर्नेंस खराब होगा। तो इसका मतलब यह है जनता और हमारे बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, जबकि गैप रहता है और है। तो मैंने सबसे पहले इस गैप को खत्म करने की सोची, ठीक। तो इस गैप को खत्म करने के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए, जैसे हमने वहां स्टार्ट, सबसे पहले तो जनता के मन में ये थी ये भावना, ये बाधा है, पिछड़ा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं बदलेगा, इस तरह की जो डिफीट माइंड सेट था, जो हारा हुआ माइंड सेट था, पहले मैंने सोचा इसको चेंज किया जाए। तो हमने स्टार्टअप इनोवेशन की एक सबमिट की 3 दिन की, 135 इनोवेटर बुलाए, स्कूलों के छात्र करीब बुलाए 50,000 आदमी 3 दिन में, 50 से ज्यादा लोग आए। और जब उन लोगों ने वहां देखा नजारा कि भाई ऐसा तो बांदा में हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया,
तो इसमें कौन आए? इंटेलेक्चुअल क्लास आया, टीचर्स आए, प्रोफेसर आए, पढ़े लिखे लोग आए, ऑफिशियल्स आए। तो जो लोग जब हम इसकी तैयारी 2 महीने किए, एक बार तैयारी कर रहे थे हम भी हार गए कि ये कोई तो बड़ा बवाली काम है, ये छोड़ दिया, हमने भी 15 दिन काम नहीं करेंगे। फिर अचानक एक दिन बात आई कि जब शुरू ही कर दिए हैं तो कर लेते हैं, 15 दिन हम भी हिम्मत हार गए थे, नहीं छोड़ दिया था। फिर 15 दिन बाद पता नहीं कहाँ से दिमाग का बल्ब जला कि अच्छा डेट फिक्स कर दो, कर डालते करें। तो मेरे जैसा आदमी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया एक बार, फिर दोबारा हिम्मत किया। वहाँ के अधिकारी सोचते थे ये क्या कलेक्टरी कर रहे हैं, क्या नया नया नाटक कर रहे हैं, जैसे होता है खुद परेशान है, हमें परेशान कर रहे हैं, ये कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन जब वो 3 दिन का नजारा सबने देखा और जो परिवर्तन देखा, तो सबसे पहले तो मेरे जिले के जो अधिकारी थे उनका दिमाग बदला कि इस बाधा में कुछ भी हो सकता है। तो वो जो घटना है स्टार्टअप इनोवेशन समिट की, और उसका मेरा मकसद ही था लोगों को जिला प्रशासन से जोड़ना एक बात, पूरे जिलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना दूसरी बात, और लोगों के दिमाग से निराशा हताशा को निकाल के आशा और उत्साह भरना। मैं इसमें सफल हो गया। उसके बाद तो मेरे अधिकारियों का मनोबल, अरे सर ऐसा तो कभी, हमने भी 20 जिले में नौकरी की है, बहुत सारे कलेक्टर के साथ की है, ऐसा तो नहीं हुआ। वही जो मेरा विरोध करते थे, जो सोचते थे कि ये हमें अब खुद परेशान है और हमारी भी जिंदगी हराम की है, वही सब मुझे हाथों हाथ लेने लगे और सबका माइंडसेट बदल गया। और जब माइंडसेट एक बार बदल जाता है तो फिर उसमें एक ऊर्जा आती है, और वो फिर ऊर्जा रुकती नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने चुनाव वाला अगला ये किया जिसके बारे में बात कर रहा था, फिर चुनाव से और ज्यादा लोग जुड़ गए। फिर इसके बाद पानी का अभियान किया, गर्मी में कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बाधा को खुशहाल बनाएंगे, मेरा तीसरा अभियान ये हुआ, तो और लोग जुड़े। तो जो पहले 1 लाख थे, फिर 3 लाख हुए, फिर 5 लाख हुए, फिर ऐसे धीरे धीरे जुड़ते गए। और पूरा जिला ये जानता था कि ये जिला अधिकारी हमारी हर एक समस्या की तरफ जाते हैं, उसका एक सरल और साधारण और बिना लागत वाला प्रोग्राम बनाते हैं, और उससे सबको जोड़ के सबकी सहायता से उस समस्या से लड़ते हैं और उसको हराते हैं, पराजित करते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। ये धीरे धीरे इस तरह से बन गया, यही गुडविल कहते हैं, इसी को गुडविल कहते हैं। तो सर ये तो आप जिस बता रहे थे समस्याओं की बात, वहाँ पे जिस तरह से आपने पानी की बात कही, तो और क्या क्या जिलाधिकारी के रूप में आपकी नजर में और कौन कौन सी आपने समस्याएं देखी, उनसे पार कैसे पाया? क्योंकि जैसे आप पहले बता रहे थे कि बीच में आप ही थोड़े मोमेंट्स के लिए हार जैसे फील कर रहे थे कि यहाँ कैसे करेंगे, कैसे होगा, लेकिन आपने जिस तरह के रिफॉर्म्स किए सर उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपने कुपोषण, जेल सुधार के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम किया है, तो अपने कार्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए जिससे कि जो हमारे सिविल सेवा की तैयारी करे, जो एस्पिरेंट्स है, तो सीख ले सके कि जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ सोल्यूशन नहीं है, वहां पे भी सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए उसमें जो ये डायमंड पीएम की किताब हमने लिखी है, इसमें मैंने कोशिश यही किया है कि वहां की सारी करीब 20-22 इनोवेशन मैंने किए थे और सबके सब सफल रहे, वो सारे इनोवेशन को मैंने चैप्टर वाइज लिखा है। जैसे पानी का लिखा है, जेल पे मैंने किसी भी, मतलब उत्तर प्रदेश में मैंने किसी जिला अधिकारी को तो अभी तक नहीं सुना है कि वो कुछ इनोवेशन किए हो, उनको अवार्ड मिला हो। हमें सरकार से अवार्ड भी मिला, उसको मैंने जेल सुधार कार्यक्रम में लिखा भी। प्लांटेशन, वृक्षारोपण, हम चलाते हैं पेड़ लगाओ अभियान, प्लांटेशन अभियान। हमने कहा पेड़ लगाते वो मर जाता नहीं जिंदा, तो हमने कहा ये इसमें कुछ ना, तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया, इस पर भी हमने एक चैप्टर लिखा। पेड़ लगाना बहादुरी नहीं है, पेड़ जिंदा रखना बहादुरी है, तो उस पर भी हमने एक चैप्टर लिखा। इसमें भी हमने इनोवेशन किया, 8-9 इनोवेशन किए। जेल किया, वहां पे माइल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं जा रहा था तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार ने मुझे बताया, वो मेरे परिचित हैं, सैलवी शारदा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी, यूनिसेफ ने ये प्रयोग किया था वहाँ का एक ब्लॉक करे। मैंने उनसे वो प्रयोग मंगवाया, उनकी कटिंग मंगवाई, वहाँ यूनिसेफ के कंसल्टेंट को दिया, प्रयोग किए। वहाँ इस समस्या के बारे में किसी को पता भी नहीं था,
अब मुझे सबसे पहले इस समस्या को बताना पड़ा, माहौल बनाना पड़ा, ये समस्या लोगों के दिमाग में डालना पड़ा। जब समस्या हुई फिर समाधान यूनिसेफ के माध्यम, ये भी बहुत हिट हुआ। और पेज नंबर 73 पे नीति आयोग ने हमारे इस बेस्ट प्रैक्टिसेज में इसको डाला लिखा। स्टूडेंट पे मैंने बहुत सारे काम किए। स्टूडेंट एक दिन के, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री पिक्चर बनाता उसी की नकल किया, एक दिन का अधिकारी प्रोग्राम चलाया, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, बच्चों को कोचिंग की गाइडेंस दिलवाया, इंजीनियरिंग का अलग, मेडिकल का अलग, चिकित्सा विशेष का अलग, वकील का अलग, हीरो बनने का अलग, सब तरह के लोगों का सूचना कलेक्ट कराई इस विद्यालय से कौन क्या बनना चाहता है। बाहर से कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलवाया फ्री ऑफ कास्ट, और बच्चों को अपने ही जिलाधिकारी के मीटिंग हॉल में बच्चों को बुलवाया, उनको कोच कराया, उनको गाइड दिया, जिससे बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा हो, वो डायरेक्शन लेस ना रहे और जिंदगी में आगे कर सके। ये स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक चैप्टर इस पर डाला। महिला विकास में हमने बहुत सारे काम किए। महिला विकास में आजीविका मिशन पे बहुत सारा काम किया। तो देखिए काम तो इतने सारे हुए हैं, 20-22 प्रयोग हुए हैं, सबको मैंने एक किताब में चैप्टर वाइज लिखा है। और ये सारी चीज करने के लिए हमने बाहर से कोई पैसा नहीं मांगा, और अगर हम मांगते तो हमें मिलता भी नहीं, दोनों बात है। तो जिले में जो कुछ था उसी को मिला जुला के जोड़ तोड़, मतलब हम लोगों के पास जो कुछ भी था उसी के मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया, उसी के मैनेजमेंट के इफिशियंसी को इम्प्रूव किया, उसका इम्पैक्ट बढ़ाया, और बहुत सारे प्रयोग हैं। एक अंतिम चैप्टर है इसका मॉडल गांव। तो जो ओवरऑल पिक्चर है, जैसे पानी का टेबल, पानी का वाटर टेबल 1.24 सेंटीमीटर बढ़ गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई, चुनाव में 10.5% बढ़ गया, जेल नंबर 1 हो गया, इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन था 25 डेटा है और पब्लिक डेटा है, ऐसा नहीं हम कहते कि हमने ये तीर मारा उसका कोई सबूत नहीं, सब एक क्वांटिफाइड डेटा है, ऑनलाइन है, पब्लिक डेटा है। इन सबको इकट्ठा करके एक मॉडल गांव का भी हम लोग कॉन्सेप्ट चलाते हैं, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। हमारे एक साथी हैं मुनीश जी, नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है, सीजीएम है, वो चलाते हैं। और आप जैसे बता रहे थे कि नीति आयोग के जो तत्कालीन उपाध्यक्ष हैं उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी सर, तो ये मॉडल विजन जो गांव का जो विजन है इसके बारे में डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को जरूर बताइए। ऐसा है कि ये बात सही है कि मॉडल गांव का जो प्रोजेक्ट है जो 1 जनवरी 2021 से चल रहा है, उस पर नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन साहब थे श्री राजीव कुमार साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया 2 जून को, और जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा था। मैं उनको नहीं जानता, ना मैं उनसे कभी मिला, अभी भी कभी नहीं मेरी मुलाकात हुई, उन्हें कहीं से पता लगा, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद तो जब अगर इंडिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है नीति आयोग, और उनके द्वारा ये ट्वीट करने के बाद अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूज लगाई, फ्रंट पेज की न्यूज निकली सभी, तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। मॉडल गांव जो बांदा का जो ये प्रोग्रेस था सपने, वो केवल बांदा में था, इसको टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग पूरे देश में लागू कर रहे हैं। उसमें प्राथमिकता क्योंकि हम लोग यूपी में है, यूपी में इसका काम कर रहे हैं, तो यूपी में सबसे पहले हम लोग इसको फोकस करके लागू कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब, कोई भी इसको हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसकी पूरी जानकारी है www.modelgaon.org। तो वो जो बांदा में हम लोगों ने गांवों के काम किया, पानी बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा, मैल्यूट्रिशन घटा, जेल नंबर 1 हुआ, लोगों का मनोबल बढ़ा, देखिए दो तरह के प्रोग्रेस हुए, एक तो सॉफ्ट प्रोग्रेस, एक हार्ड प्रोग्रेस। अब इलेक्शन में चुनाव का परसेंटेज बढ़ गया, ये तो दिख रहा 10.5% डेटा है, लेकिन लोगों का जो मनोबल बढ़ा दिमागी रूप से, जो उनके दिमाग को हमने ऊर्जा दी, उसको ना कोई देख सकता है ना उसको नापा जा सकता है, तो साफ काम किया। इसी सबको एकमोडेट करके ये मॉडल गांव का प्रोजेक्ट श्री मुनीश जी चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा मैं डिलीट कर रहा हूँ पीएचडी के बाद, मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरा डिलीट का टॉपिक भी यही है, क्या मॉडल गांव। मॉडल गांव इज नथिंग बट SBCC, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, ठीक है ना, कैसे लोगों को समझा बुझा बता के
बाय इम्पावरिंग देम बाय गिविंग देम नॉलेज. नॉलेज इज पावर. गिव नॉलेज टू इम्पावर द पर्सन. हाउ? हम लोग बात ही से तो समझाते हैं ये अच्छा है ये बुरा है ये करो ये ना करो. तो सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के माध्यम से ये काम हम लोग कर रहे हैं. सर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपकी किताब में इस पूरे मॉडल गांव का जो आपका एक विजन है वो आपने सब अच्छे से लिखा है, तो आपसे तो इस तरह ये जानना चाहेंगे कि जो किताब लिखने का जो विचार है ये आपके मन में कब आया था? देखिए हर चीज की कोई कोई कहानी होती है. कि नहीं है क्या, बांदा में एक लड़का है शिवा सूर्यवंशी, उसी वही बांदा का रहने वाला है. उसके परिवार में भाई पापा का टीचर थे. तो उसने एक माँ साहब मास्टर साहब को गाँव में माँ साहब कहते हैं उसको खींच के बोलो तो माँ साहब हो गया वहाँ. माँ साहब तो उसने माँ साहब नाम का एक पिक्चर बनाया. आई ये कलेक्टर मेरे पास वो आया कि साहब कलेक्टर साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझे इस फिल्म को आपसे एक सर्टिफिकेट चाहिए कि इसकी शूटिंग यही हुई है, इसके हीरो यही बात आते हैं. उसमें मेन हीरो वही लड़का था. तो हमने कहा क्या करोगे सर्टिफिकेट? कहा ये हमारे साहब इससे हमें अनुदान मिलेगा जरूरत है. हमने उसे अप्लीकेशन लिया, हमने नीचे से जांच कराई, जांच कराने के बाद हमने उसे सही पाया गया, सर्टिफिकेट दिया. तो वो जो लड़का था वो इस तरह से मेरे टच में आया और लड़के की ये बात मुझे बड़ी पसंद आई, आज भी वो मेरे टच में. हमने कहा इससे बड़ा तो इंटरप्रेन्योर मेरे बाधक कोई हो ही नहीं सकता. गाँव से निकला हुआ बंदा बॉम्बे में जाके वहां से सीख के आ करके और हीरो हीरोइन और सबको इकट्ठा करके और बांदा से बांदा में बांदा की कहानी पर और एजुकेशन पर फिल्म बना दिया. तो मैंने उसको हर मदद देने के लिए प्रयास किया. उत्तर प्रदेश के फिल्म को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता. मैंने उसका डिटेल लेके चिट्ठी लिखी, यहाँ सबसे बात किया और उसको वो मिलने वाला है. तो उसी ने कहा साहब आप सब इतना काम करते हो, पूरी बाधा आपको जानती है, तो आप इस पर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और ये सब आप चले जाओ ये सब भूल जाएंगे तो नहीं रहेगा. तो हमने ये बुकलेट बनवाई वही लोकल, उसका नाम रखा इनोवेटिव बाधा. तो उसमें करीब वो 50-60 पेज की थी और दो दो पेज ये जो काम जो हमने 20-22 प्रयोग किए थे सब पर दो दो पेज लिखा था. वो जो इनोवेटिव बाधा नाम की बुकलेट बनी, फिर वहां के लोगों ने कहा साहब ये इनोवेटिव बाधा को ये तो बुकलेट तो ऐसे बनती है ये अस्थायी होती है, ये अस्थायी नहीं होता है, ये तो बुकलेट रोज बैठक के लिए बनती है खत्म हो जाती है, तो आपको इस पर एक किताब लिख देना चाहिए. तो हमने कहा ये किताब तो मुझे आता नहीं, ना मैं लेखक हूँ ना मेरा कोई इंटरेस्ट है और मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं अपनी नौकरी करूँ या किताब लिख. तो ये मेरे दिमाग में वहां ऐसे लोगों ने बीज डाला. मुझे फिर थोड़े 3-4 महीने बाद फिर लोग आए कहे साहब आप समझ नहीं रहे हैं ये लिखना चाहिए, आप यहाँ से हटोगे, 4 महीने बाद आप भी भूल जाओगे आपने वहां पानी कैसे बचाया था. तो कई लोगों ने मेरे दिमाग में हैबर किया. फिर वहीं से ये दिमाग में आइडिया पड़ा था कि लिखना चाहिए. जब हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया मैंने लिखने वाले राइटर भी लिए कि हमारा लिख दो हम आइडिया बता दें. हमने पेमेंट भी किया लेकिन वो लिख नहीं पाए. अल्टीमेटली वो जो बीज वहां पड़ा था इस तरह से जर्नी होते होते ये किताब को हम ही को लिखना पड़ा. हमारी इसकी एक कोऑथर है कुमुद वर्मा जी जो कि आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर संजय वर्मा की वाइफ है, धर्मपत्नी है, वो काफी किताब लिख चुकी हैं. तो उन्होंने इसकी फ्रेमिंग की शुरुआती दौर में, उसके बाद हमने कंटेंट इसमें हमने डाले. तो हम दोनों ने मिलकर इस किताब को इस तरह से अंजाम दिया. ये है पूरी कहानी. और डायनेमिक डीएम के लिखने से लेकर सर जो बेस्ट सेलर बनने तक यात्रा है उसके बारे में बताइए कि आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा होगा कि नहीं, और ये भी बताएं कि इस पुस्तक के आगे की योजना क्या है कि ये भाषाओं से भाषाओं में भी क्या आने वाली है पुस्तक. देखिए ऐसा है कि इसका हिंदी वर्जन है, ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं. इसका इंग्लिश वर्जन बन चुका है और उसकी 2 बार एडिटिंग भी हो चुकी है, वो भी फाइनल स्टेज में. मुझे लगता है 10-15 दिन में इसका इंग्लिश वर्जन प्रभात प्रकाशन ही छापेगा. उन्होंने इसको सब ट्रांसलेट कर लिया, एडिट कर लिया, वो फाइनल प्रूफ रीडिंग में है. तो इसका इंग्लिश वर्जन प्रभात प्रकाशन के द्वारा विद इन 1 मंथ ये मार्केट में आएगी. एक बात, इसका गुजराती वर्जन भी हम लोग ला रहे हैं. कुमुद वर्मा और इसके हमारे जो चीफ एडवाइजर हैं पूरे किताब के प्रेरणा स्रोत हैं वो है श्री उमा शंकर यादव जी. वो अहमदाबाद इंटरनेशनल फेस्टिवल चलाते हैं अहमदाबाद में पिछले 5 साल से, उनको हिंदी ये सब का बड़ा ज्ञान है, बड़ा नेटवर्क है. उन्हीं की प्रेरणा से
ये किताब बनी है कुमुद वर्मा से, उन्होंने ही हमें मिलवाया, और सारी किताब की एडिटिंग क्या होना चाहिए, क्या उचित होगा, उनका पूरा सक्रिय। हमारी को आता गुजरात में, तो गुजराती भाषा में हम लोग इसका ट्रांसलेशन, वहाँ के बहुत फेमस पब्लिशर है RR पब्लिशर, RR सेठ पब्लिशर, एक महीना पहले हम लोग दे दिया, वहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है इसका, हम लोग इसका गुजराती वर्जन लाएंगे। तो तीन वर्जन हमारा इसका प्रोसेस में, विद इन मंथ दो वर्जन और आ जाएंगे। इसके अलावा भी हम लोग और भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन करने का विचार है, और हम लोग उस पर प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे मलयालम, मराठी, उर्दू, इस तरह से और भाषाओं में, बंगाली, तो ये विचार में है, और उस पर प्रोसेस भी है, चिंतन मनन प्रयास भी जारी है। तीन वर्जन तो फाइनल है, और एक मार्केट में है, और दो एक महीने में मार्केट में आ जाएगा। सर वैसे तो आपकी जो ये किताब है और आपका जो काम आपने जो किया है और आपका जीवन, मैं ये बोलूंगी आपका जीवन की पूरा प्रेरणा स्रोत है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप ये मुझसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो UPSC PCS की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट है हमारे देश के, दुनिया भर के बच्चे जो है, हमारे देश के बच्चे सारे, वो परीक्षा के लिए जो एक चैलेंजेस फेस करते हैं, और सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि जीवन में आने वाली जो चैलेंजेस या जो समस्याओं का सामना करने के लिए भी, आप उनको क्या सलाह देंगे, आप उनके लिए क्या बोलेंगे? वैसे तो आपका जीवन और आपकी बातें सुनकर ही वो काफी मोटिवेटेड होंगे, लेकिन फिर भी आपसे जरूर, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज जरूर लेना चाहूंगी। सर देखिए, होता क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा चैलेंजेज भरा रहता है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे ही दिमाग में कल होगा नहीं होगा, हमने BSc छोड़ दी बिना घर वालों को बताए और कोचिंग कर लिया, और अगर नहीं सिलेक्शन होगा तो ना हम घर के रहेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट करता है 24/7 वो चैलेंज से इंटरनली जूझता रहता है। एक तरफ तो वो अपनी तैयारी करता है, उसको क्रैक कर, दूसरी तरफ वो उससे भी लड़ता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अंधकार ना हो जाए, उजाला ना रहे, तो ये बड़ी, हाँ, बहुत विषम परिस्थिति हुई जिसको मैंने खुद फेस किया है, और मैं उसको रियलाइज करके ही इस समय बोल रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट अगर ये किताब पढ़ेंगे तो उनको फायदा क्या होगा? एक तो ये जो दूसरा पक्ष है कि गड़बड़ नहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये वो, उससे लड़ने की क्षमता मिलेगी इस किताब से। इस किताब के जो फैक्ट, वो कभी हारेगा नहीं अगर ये किताब पढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अगर ये किताब पढ़ेगा उसका आत्मबल बढ़ेगा, उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा कि नहीं, हम इसको इस कंपटीशन को क्वालिफाई कर ले जाएंगे और जरूर होंगे, ये उसको ऊर्जा मिलेगी किताब पढ़ने से, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो थियरी तो बहुत लिखा है, थियरी ट्यूब दिस एंड दैट, लेकिन जो हमारी किताब है एक मामले में यूनिक है कि हमने थियरी बनाई है से, हमने पहले प्रैक्टिकल किया और उसको फिर लिखा थियरी, और वो थियरी बहुत प्रिसाइज किताब में लिखा कम है, हमने सबूत ज्यादा लगाया, तो उससे उसे लिखने का एक पैटर्न पता लग जाएगा। तो सोशल मीडिया आया है, वो ट्विटर ने बता दिया 140 वर्ड उतने में ही लिखना है, पूरा दिमाग पूरा जो कहना चाहता हूँ उतने, तो आप ही सोचता ये वर्ड हटाओ ये करो, वो वाली फिलॉसफी हमारे इस किताब में थी, हाउ टू राइट प्रिसाइज आंसर। दूसरी बात है, थियरी से हमने प्रैक्टिकल से थियरी बनाई है, उनका किया है। तीसरी बात यह है कि ये जो चैप्टर्स हैं वो सब सामाजिक समस्याओं का है। आज के डेट में यही होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेटरी सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेटरी सॉल्यूशन ही होता है, तो हमारा टोटल किताब ही पब्लिक पार्टिसिपेटरी सॉल्यूशन है। सर बस वो लास्ट का जो मैसेज आप दे रहे थे ना, हाँ, उसको अगर आप कंप्लीट कर दें तो हम उन दोनों पार्ट को कनेक्ट कर दें। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो हमारे आपका क्वेश्चन का तीसरा फायदा ये है कि सामाजिक समस्या का सामाजिक समाधान, और वो भी बड़ा सरल, सहज, कम लागत वाला या बिना लागत वाला, ये हमने किया है, क्योंकि हमने जो भी ट्रिक और टेक्निक्स अप्लाई किए सारे प्रोग्राम में,
उसमें तीन ट्रिक्स एंड टेक्निक अप्लाई किए। एक्टिविटी और एक्शन हम वो करते थे आइदर नो कास्ट और लो कास्ट, कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फंड्स आइडियाज, ये दूसरा मेरा ट्रिक था, और तीसरा प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेकहोल्डर। तो ये जो जन सहभागिता से हमने किया है, जो ट्रिक लगाई है, इसीलिए सारे सफल हैं। और इस तरह का मटेरियल स्टूडेंट को प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड विथ प्रूफ नहीं मिलेगा। जैसे पानी की समस्या है, क्या करेंगे, तुम्हारा चैप्टर पढ़ ली। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, देश विदेश और प्रदेश और ग्लोबल समस्या है, क्या करोगे, हमने उस पर काम किया, लिखा है। महिला विकास में क्या करोगे, हमने लिखा है। बच्चों के विकास में क्या करोगे, लिखा है। जेल सुधार में क्या करोगे, लिखा है। किसान को कैसे धनी बनाओगे, लिखा है। गांव का विकास करो कैसे करोगे, मॉडल गांव पढ़ो। तो अच्छा, वो बहुत छोटे में है, थ्री साइज है, कंसाइज है, सरल है, सिंपल है, एनीवन कैन अटेम्प्ट है। तो ये स्टूडेंट के लिए एक्चुअली ये पूरी किताब गवर्नेंस पे है, हाउ टू गेट गुड गवर्नेंस फ्रॉम गवर्नेंस, हाउ टू गो फ्रॉम गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस टू स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, ये किताब बताती है। इसलिए गवर्नेंस के तीन सबसे बड़े सीट हैं, पोस्ट हैं, पीएम, सीएम और डीएम, इस बात को मैंने लिखा है। और गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है, फैमिली है। फैमिली में भी हम गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हर परिवार के लिए लागू है और हर व्यक्ति के लिए लागू है। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको तो इस किताब को कम से कम 5 बार पढ़ना चाहिए, तब वो समझ पाएगा बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स क्या हमने लिखा है। इतना आसान थोड़ी होता है किसी चीज को, तब वो पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा। तो मेरा ये कहना, तो आई एम श्योर जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको आज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले होंगे, बहुत सीख मिली होगी। और हम आपको भी रेकमेंड करेंगे कि जैसे सर ने भी बताया कि ये जो पुस्तक है ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप जरूर आप इसको पढ़ें, डायनेमिक डीएम, और जिस तरह से बताया सर ने, इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ कुछ और भाषाओं में भी आ रही है, तो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इस समय कर चुके हैं तो भी ये किताब आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। हालांकि जो हर एक प्रदेश और हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, वहाँ का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके आपको वहाँ की समस्याएं सुझा अपने तरीके से पड़ती हैं। लेकिन अगर एक बैकग्राउंड मिल जाए, क्योंकि हमारे देश में किस तरह से प्रॉब्लम्स रही हैं और किस तरह से ऑलरेडी लोग उससे सुलझा चुके हैं, और सुलझाने के साथ साथ उस पर तारीफ भी मिल चुकी है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को एक्नॉलेज किया है, तो ये आई एम श्योर बहुत प्रेरणा स्रोत होगा आप सभी के लिए। तो हम जरूर रेकमेंड करेंगे कि ये पुस्तक आप जरूर पढ़ें। और डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा भी लगा और बहुत सारी प्रेरणा हमें भी मिली कि किस तरह से लाइफ में, सिर्फ सिविल सर्विस के एग्जाम की बात नहीं हो रही, अगर लाइफ में भी किस तरह से प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से जूझना होता है और उनको उनका सोल्यूशन निकालना होता है, किस तरह से विजन की जरूरत होती है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके और बहुत ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ना होता है। तो धन्यवाद डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।